कुछ दिन पहले शेरपुर नहर से मिले अज्ञात महिला के शव की ग्राम चौकी द्वारा थाना रामपुर मनिहारन पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा काफी छानबीन के उपरांत भी मृतक महिला शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। क्राइम एवं थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा मृतक के फोटो की शिनाख्त कराते हुए आज 20 मई को एक अभियुक्त दीपक पुत्र मांगेराम व रेखा पत्नी मांगेराम निकट शिव मंदिर पंजाबी बाग थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया। एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ था नहर में। काफी ताजा शव था, लग रहा था बहुत जल्दी ही रात में इसकी हत्या करके इसको यहाँ फेंका गया है। सिर पे चोटें थी। उस अज्ञात युवती की शिनाख्त हुई है और शिनाख्त के बाद उसकी हत्या में चार मुलजिम जो शामिल हैं उसमें दो को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने अपना अपराध कबूल किया है, बाकी दो के गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। इसके पीछे जो पाया गया है कि लड़की थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति की थी और घर वाले उससे काफ़ी परेशान थे, उनके काफ़ी बेइज्जती हो रही थी, तो उसकी हत्या में उसकी स्वयं की माँ, भाई और उसके जो बॉयफ्रेंड है वो शामिल है। इसके अभी परिजन गिरफ्तार हुए हैं, जो इसके सगा भाई और इसकी सगी इसकी माँ और इसमें जो इसके दो बॉयफ्रेंड हैं वो अभी फरार है। वो चूंकि सातिर किस्म के हैं, पहले से भी अपराधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, उनको मालूम हो गया था कि कभी न कभी जब इस लड़की की पहचान होगी तो हम लोग फंसेंगे। वो अभी अपने को छुपा रहे हैं और बहुत जल्दी उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर, लड़की का भाई पे कोई मुकदमे दर्ज है क्या? नहीं, लड़की का भाई पे कोई मुकदमे नहीं है, लेकिन लड़की का भाई इसलिए परेशान था कि वो उस अपने बहन के गतिविधियों से बहुत परेशान था, उसकी बहुत बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया गया है। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।